नहीं रोकूंगा। इतने में ट्रैफिक वाली गाड़ी आ गई, फोटो उठा के चले गए। ठीक है, इल्लीगल अगर बोल रहे हो तो आप उसको रिकॉर्ड में ज्यादा लोग जमा होते हैं आपके प्रेजेंट साहब जो हैं वो हमें अंतर्गत जो पहले एक वीक मनाया जाता था हर साल, आपको पता होगा, तो इस साल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि एक मंथ सेलिब्रेट किया गया है। इसमें अवेयरनेस जनरेट हो जाएगी, लोगों के साथ इंट्रैक्शन हो जाएगी, लोगों को बताया जाएगा कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। तो इसमें शामिल होगा ड्राइवर्स के साथ इंटरेक्शन, उनकी हेल्थ चेकअप्स भी हो जाएंगे, इसमें आई चेकअप हो जाएगा, इसके साथ साथ इनको अवेयरनेस दी जाएगी कि फ़िटनेस जो है वो ये कैसे करवा सकते हैं, और इमीडिएट रिजल्ट्स इनके फ़िटनेस के जो हैं गाड़ियों के वो अवेलेबल हो जाते हैं विद इन 48 आवर्स। तो हमने स्पीड अप कर दिया है काफ़ी प्रोसेस अपना। इसके अलावा हम इनको बता रहे हैं, अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी में ये कैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं खुद से। इसमें ये क्या कर रहे हैं कि हम इनको बता रहे हैं सीट बेल्ट्स लगाने का क्या फ़ायदा, जो कि नॉर्मली भी पता होता है लोगों को, लेकिन हम एम्फसाइज़ कर रहे हैं लोगों को कि सीट बेल्ट्स पहनिए, हेलमेट्स पहनिए, सेफ़ ड्राइविंग लिमिट में रहिए, क्योंकि ओवरलोडिंग हमारे यहाँ देखी गई है, जो है ओवर स्पीडिंग देखी गई है। स्पीड डिटेक्टिंग डिवाइस जो है, लिमिटिंग डिवाइस जो है, वो कई गाड़ियों में निकाल दी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो 60 से अबव जाना चाह रहे हैं। तो हम लोगों में यही जनरेशन, अवेयरनेस जनरेशन करना चाह रहे हैं कि स्पीड बढ़ाने से क्या होगा कि ज़्यादा जल्दी तो वो पहुंच जाएंगे कभी कभी डेस्टिनेशन पे, लेकिन एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ें लोगों में पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इस वीक को एक्सटेंड करके इसको मंथ में कन्वर्ट कर दिया गया अवेयरनेस को। इसके अलावा जो एक्सीडेंट रिलीफ फ़ंड है, जो कि 1,00,000 रुपया मिलता है एक एक्सीडेंट विक्टिम को जिसकी डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली को मिलता है, वो भी बताया गया ड्राइवर्स को। यहाँ पे आपके माध्यम से भी मैं जनरल पब्लिक को बताना चाहती हूँ कि जब एक्सीडेंट हो जाता है उसके नाम की एक FIR दर्ज कर दी जाए, और लीगल हायर की सर्टिफिकेट अगर आ जाए तो इमीडिएटली विद इन वन डे, विद इन 24 आवर्स, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो 1,00,000 रुपया उसकी फैमिली को पहुंचा देगा, ताकि उसकी जो मुश्किलात हैं, इमीडिएट मुश्किलात हैं, वो हल हो सकें। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, जिसकी हम चाहते हैं कि आउटरीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हो जाए। इसके अलावा हेल्थ चेकअप की बात हो रही है कि हम जो ड्राइवर्स हैं, हमारे सुमो स्टैंड के ड्राइवर हैं, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एग्जर्ट कर रहे हैं, उनकी बीमारियों का पता नहीं चल रहा है, BP है किसी को शुगर है, किसी को आई का इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, आई साइट वीक है, तो उसके लिए हम एक ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं हेल्थ कैंप, इनके लिए फ्री हेल्थ चेकअप हो जाएगा। तो हम जगह जगह पर, बहुत सारे सुमो स्टैंड्स हैं हमारे, तो हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे एक हेल्थ चेकअप।